त्योहार हो या कोई शुभ काम, बिना मिठाई के पूरी नहीं होती। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं तीन तरह की मिठाई की रेसिपी, जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, जो कि कम समय और कम लागत में घर पर बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हमारी आज की पहली रेसिपी है पीनट मूंगफली। ले लेंगे जिसे कि हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम उसमें मूंगफली को 3 से 4 मिनट तक अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए स्लो फ्लेम पर भून लेते हैं। आपने अक्सर काजू कतली, बादाम कतली ये तो सुना ही है। आज हम आपको भाभी रसोई में मूंगफली कतली बनाना बताएंगे। मूंगफली को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं। अभी अच्छे से भून चुका है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और मूंगफली को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हाथों से रगड़ते हुए इसके छिलके को अलग कर लेते हैं। हाथों से अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे। मसलने के बाद इसे मूंगफली का छिलका अलग और मूंगफली अलग कर लेते हैं। मूंगफली को छिलके से अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम उसे एक बर्तन में रख लेंगे। मूंगफली को हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब हम इसे एक जार में डाल लेंगे। जार में डालने के बाद इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। मूंगफली अब बिल्कुल बारीक पीस चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे पीस करके एक बर्तन में निकाल करके रख लेते हैं। पीनट कतली कम समय में तैयार होने वाली एक स्वादिष्ट मिठाई है। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पैन रख लेंगे गर्म होने के लिए। उसमें 100 ग्राम चीनी, एक कटोरी चीनी और उतना ही पानी डाल करके पैन में अच्छे से पका लेंगे। चाशनी को लगातार चलाते हुए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी बनकर के अब तैयार है। अब हम इसमें पिसी हुई मूंगफली डाल लेते हैं। पेस्ट डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे, ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। इसे स्लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे, ताकि ये तली में चिपके ना। इसे हम बिल्कुल टाइट आटे की तरह तैयार कर लेते हैं। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे हाथों से मसलते हुए 2 से 3 मिनट तक आटे के जैसे गूंद लेते हैं। अब हम इसे गोल लोई के जैसे बनाकर बेलन की सहायता से बेल लेते हैं। चौकोर शेप में हम इसे चारों तरफ से इक्वली अच्छे से बेल लेते हैं। अब हम इसे चारों तरफ से एक जैसा बेल चुका है। अब हम इसे चाकू की सहायता से काट लेते हैं। इसे हम बर्फी के शेप में काट लेंगे। पीनट कतली बनाने में बहुत ही आसान और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। इसे हमने बर्फी के शेप में कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ना कि कितने कम समय और घर की चीज़ों से ही बन करके बिल्कुल तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी पीनट कतली। आज की हमारी जो दूसरी रेसिपी, वो जितनी ज़्यादा टेस्टी है उतनी ही हेल्दी। जी हाँ, हमारी अगली रेसिपी है सेब की बर्फी। तो चलिए बनाते हैं। बर्फी बनाने के लिए 4 से 5 सेब ले लेते हैं, जिसे छील करके कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने के बाद अब हम एक पैन गरम करने के लिए रख लेंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी अब गरम हो चुका है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब डाल देते हैं। सेब डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। सेब को डालने के बाद इसे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी डाल लेंगे। चीनी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि सेब में एक अपनी खुद की मिठास होती है।
अब हम इसमें 2 चम्मच खोया डाल देते हैं और 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसे डालने के बाद अब हम अच्छे से आपस में मिला लेंगे। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। सेब को हम जितना ही भूनेंगे इसमें इतना ही गाढ़ापन आता है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल लेते हैं। नारियल डालने से इसके स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी। दालचीनी डालने से सेब की बर्फी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब ये बर्फी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें अच्छे से घी लगा लेंगे चारों तरफ। घी लगाने के बाद अब हम इसमें जो पेस्ट बना हुआ है बर्फी के लिए उसे डाल करके अच्छे से फैला लेते हैं। पेस्ट फैलाने के बाद अब हम इस पर बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम डाल लेंगे। इसे डालने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो तैयार है सेब की बर्फी। हमारी अगली रेसिपी है गाजर फिरनी। गाजर फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लेंगे। पैन गरम होने के बाद उसमें 2 छोटे चम्मच घी डाल लेंगे। घी डालने के बाद से हम गरम कर लेते हैं। घी अब अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें गाजर जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है अब गाजर को डाल लेंगे। गाजर डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। गाजर को भूनते समय हम आंच धीमी रखेंगे और 4 से 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अभी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चावल का आटा 2 बड़े चम्मच डाल लेते हैं। चावल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। त्योहार हो या कोई शुभ काम या पूजा, इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और गाजर फिरनी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम यहाँ पर इसमें लगभग 1/2 लीटर के करीब दूध डाल लेंगे और दूध डालने के बाद इसे हमने अच्छे से चला लेना है। ये कोई पूजा या कोई त्यौहार होता है तो लोग अक्सर ही खीर या सेवई बनाते हैं। एक बार आप सभी गाजर फिरनी बना करके जरूर खिलाएं। हल्का उबाल आने लगा है, इसे हम मीडियम फ्लेम पर करके पका लेंगे। इसमें हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को भिगो लें और उसे दरदरा कूट लें और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब अच्छे से उबाल आ चुका है। इसे पकने में 8 से 10 मिनट का समय और लगेगा। अब ये गाढ़ा हो चुका है और पूरी तरीके से पक चुका है जैसा कि हमें चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। टेस्टी और हेल्दी गाजर फिरनी बन करके तैयार। फेस्टिवल स्पेशल मिठाइयों की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी आज की रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।